हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ हॉस्पिटल में ओपीडी का पर्ची कैसे काटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्लेस का आइकन दिख रहा है, इसमें ये हॉस्पिटल वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम होता है हॉस्पिटल प्रो शॉर्टकट। इसमें क्लिक करना है, ये आ जाएगा। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम डालकर आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले है मास्टर एंट्री, फिर ओपीडी, फिर टूल्स, फिर आईपीडी। तो हमको ओपीडी पर क्लिक करना है और ये फर्स्ट में जो लिखा है ओपीडी रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसमें तो ये कुछ नहीं करना, ऊपर ये कोविड-19 फीवर टेस्ट के लिए होता है, इसी को रहने देना है। फिर यहाँ पे नो करना है। नो करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है पेशेंट का नाम जिसको टेस्ट करवाना रहेगा। यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं, राकेश। फिर इसके बाद पिता का नाम डाल देना है, राजकुमार, मान लो पिता का नाम हो गया। फिर इसके बाद एज डाल देना है, जितना एज होगा। ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रहेंगे, जनरल, ओबीसी, एसटी। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको ये डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ कुछ नहीं करना है आगे, बस इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव के बाद प्रिंट, ओके। ये होता है ओपीडी पर्ची का काटना। इसके बाद अगर कोई नाम में मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए, चलो आप जानते हैं, अगर ओपीडी पर्ची बनाते समय नाम मिस्टेक हो गया, पिता का नाम मिस्टेक हो गया, और मोबाइल नंबर अगर मिस्टेक हुआ तो मोबाइल नंबर में तो करेक्शन नहीं होगा, नेम में करेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ओपीडी पर्ची काटे हो उसमें लिखा रहता है एक ओपीडी नंबर, तो यहाँ पे आना है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, UHID लिंकिंग, फिर है रिप्रिंट ओपीडी स्लिप, फिर मॉडिफाई ओपीडी रिसीप्ट, तो इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है 01582, इसमें क्लिक करके और इंटर दबा देना है, तो जिसका भी नाम रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं, पिता का नाम या हस्बैंड नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बट मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर जो करेक्शन करना रहेगा वो करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर प्रिंट के लिए फिर उसी में क्लिक करना पड़ेगा, ओपीडी। फिर यहाँ पे आना पड़ेगा रिप्रिंट ओपीडी रिसिप्ट। रिप्रिंट ओपीडी रिसिप्ट में ये क्लिक करना है, फिर इंटर दबाना है, सब नाम शो करने लग जाएगा। यहाँ से फिर रिक मार्क कुछ भी डाल सकते हो,
डालने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देना क्लिक, इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। धन्यवाद।